भारतीय यूजर्स के लिए रोल आउट हुआ मेटा एआई, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐसे करें इस्तेमाल। मेटा ने अपने भारतीय ग्राहकों के लिए कंपनी का एआई चैटबॉट रोल आउट करना शुरू कर दिया है। भारतीय यूजर्स अब मेटा एआई का इस्तेमाल फ्री में कर सकते हैं। मेटा एआई का इस्तेमाल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर पर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इंटरनेट यूजर्स मेटा एआई का इस्तेमाल meta.ai वेबसाइट पर विजिट करने के साथ कर सकते हैं। फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट मेटा एआई की सुविधा भारतीय यूजर्स को पेश करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कंपनी कई महीने पहले से इस एआई चैटबॉट को भारत के कुछ यूजर्स के साथ टेस्ट कर रही थी। भारत मेटा के लिए सबसे बड़े मार्केट में से एक है। यहाँ मेटा के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले सब्सक्राइबर्स की संख्या करोड़ों में है। मेटा एआई लॉन्च से पहले गूगल ने बीते दिनों ही भारतीय यूजर्स के लिए एआई चैटबॉट जेमिनी मोबाइल ऐप पेश किया है। जेमिनी मोबाइल ऐप को गूगल ने 9 भारतीय भाषाओं में पेश किया है। मेटा यूजर अपने किसी भी सवाल को इंग्लिश में टाइप कर सेंड कर सकता है। इसके बाद सामने से सवाल का जवाब मेटा एआई की ओर से दिया जाएगा। मेटा एआई का इस्तेमाल सभी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर के लिए फ्री है। मेटा के किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस चैटबॉट से चैट की जा सकती है। अच्छी बात यह है कि मेटा एआई से टेक्स्ट के अलावा इमेज जनरेट भी करवाए जा सकते हैं। आप जिस तरह की इमेज चाहते हैं उस पिक्चर के बारे में बताते हुए चैटबॉट से मनचाही पिक्चर पा सकते हैं। बता दें, इस एआई चैटबॉट की सुविधा वर्तमान 12 से ज्यादा देशों के लिए रोल आउट हो चुकी है। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा और जिम्बाब्वे जैसे देशों का नाम भी शामिल है। तो बात आती है कि हम सब मेटा एआई का कैसे करें इस्तेमाल। तो मेटा एआई को फिलहाल इंग्लिश में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस चैटबॉट का इस्तेमाल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर के साथ किया जा सकता है। जैसे ही आप सर्च बार में मेटा एआई खोजते हैं, आपके पास चैटिंग के चैट पेज का ऑप्शन होगा। मेटा एआई का इस्तेमाल ठीक उसी तरह किया जा सकता है जैसे चैट जीपीटी का किया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट अपडेट की जानकारी आगे सबसे पहले मिले। धन्यवाद।